हेलो एवरीवन, जोहार। कैसे आप सब? आए हो, सब ठीक होंगे। तो आज हम पहाड़ जा रहे हैं, और पहाड़ जाते जाते आजकल का मौसम पता ही आपको कैसे रास्ता मिलता है। देखो कितना सुंदर दिखने में, थोड़ा मतलब वो लगता है, बट बीच बीच में पानी, फिर पहाड़। देखो कितना सुंदर खेती वगैरह हो रहा है। और मेरा हुलिया देखो पहले कैसे में जा रही, अभी तो ये कम है, फिर बाद में थोड़ी देर बाद ना पूरा मेरा क्या हालत हो गया। देखो बच्चा दिखा रहे थे इधर इधर से, हम लोग पहले आए थे, देखो इधर खेती वगैरह हो रहा है, मस्त लग रहा है एकदम। दिखने में नजारा मस्त दिखता है, बट जो रास्ता है ना एकदम डिस्कस्टिंग, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा वो है ना। देखो देख सकते हो आप सब कितना पेड़ पौधा है वो है, अगर अचानक से सांप कुछ मिल जाता तो कितना बुरा हो जाता ना। पर भगवान का शुक्र है कुछ नहीं हुआ, बट मजा तो आया, लेकिन बहुत रास्ता इतना खराब था क्या ही बताए। अगर आप पहाड़ में कभी एक्सपीरियंस गए हो या एक्सपीरियंस किए जाके कैसा लगता है आप सब जरूर बताएं। और मैं तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे मज़ा में एंजॉय करने के लिए गई थी, बट मैं सोची कुछ नहीं है पहले जैसा रहता है। पहले कैसे रहता था पता है? पहले इतना पेड़ पौधा नहीं रहता था, लेकिन अभी पहाड़ 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 देख सकते हो कितना हरा भरा है। हम लोग एक्चुअली ना बांस लेने के लिए गए थे, और तो बांस ना मिल नहीं रहा था, फिर एक जगह पे मिला। सबसे पहले जो मिला वहाँ पे तो फिर एकदम देखो ये मिला ना, फिर ये तो काम का नहीं था। फिर हम लोग गए बहुत अंदर, गए दो तीन पहाड़ हम लोगों ने वो करा। गाइस देखो पहाड़ कितना ज्यादा खतरनाक है। और मेरी उलिया देखो क्या है ना कि हम मच्छर काटते हैं, मेरे बोलते बहुत, तो मच्छर अभी देखो चाचा लोग उधर इतना भी चले गए, उधर मिल गया बांस और एक, क्योंकि वहाँ पे नहीं पसंद है। तो ये देखो आप लोग सोच रहे होंगे ऐसे कपड़े क्यों डाले, क्योंकि ये ऐसे कपड़े इसलिए डाले कि देखो ऐसे अंधेरा होता है, इससे भी घना अंधेरा रहता है उस जगह पे ना, बहुत ज़्यादा मच्छर काटते हैं। इसके लिए सेफ्टी करके जाना पड़ता, नहीं तो वो अगर काटेंगे ना तो पूरा मतलब बीमार भी हो सकते हैं। इसके लिए हम लोग ने ऐसा कपड़ा डाला था, पूरा फुल कपड़ा डाला था, फिर भी मेरी बहन को चींटी बहुत काटी थी। देखो ऐसे पूरा ये जगह पे ना पूरा ऐसे बीच बीच में आ रहा था कि मतलब क्या ही बोल सकते हैं, पूरा मतलब पूरा मेरे मसाज हो जा रहा ये घना मेरे बोलो के अंत, बहुत घना पहाड़ था और लकड़ी वगैरह भी बहुत फिरा था, और कीड़े भी मेरे जो आगे जाकर चल रहे ना उनकी पीठ में कीड़े, दो बार मोटे मोटे कीड़े उनके पीठ में लगे, तो कितना डर लगता है मुझे तो कीड़े से, बहुत डर है। देखो धीरे धीरे मेरी हालत कैसी हो जाएगी, पूरा मैंने खुद को कवर कर लिया, क्योंकि वो जो मच्छर है ना कान में आके भौं भौं भिनभिना रही थी। ये देखो कितना सारा मतलब उधर है ना बहुत अंधेरा दिख रहा था, बहुत ज़्यादा अंधेरा ऐसा है। और हम लोग ने कम से कम दो पहाड़ तो हम लोगों ने वो करा रहेगा मतलब पार किया रहेगा। और हमको बीच में मशरूम मिल गया था जो कि काफ़ी टेस्टी खाना बना था हमारा, मशरूम एकदम यमी यमी ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है मशरूम। यहाँ से मंजिल स्टार्ट हो गई, इसके ऊपर साइड में सबसे ऊपर में वहाँ पे बांस है पूरा, और वहाँ पे बांसों का भंडार मिलेगा भंडार। ये मेरी दीदी है ना जो बहुत सब जो हम लोग घर पे लेके गए ना सब बांस इसी ने काटा था पूरा, काट काट के देखो अभी ये बांस है, इधर भी बांस है, उधर भी बांस है, पूरा जगह पे बांस मिला हम लोग को, इतना हमारा वो लग गया था पूरा इधर उधर सब जगह पे बांस ही बांस दिख रहा था। और जो हमने मशरूम लिया था ना वो मशरूम मिला था, वो भी बांस का ही मशरूम मिला था, लेकिन हम लोग ने दूसरी जगह देखा, इधर आके देखा तो इधर तो एक भी नहीं मिला। फिर देखो ना कीड़ा कैसे चल रहा है एकदम, मुझे कीड़े से तो बहुत डर लगता है, कितना बड़ा कीड़ा है, दिखने में छोटा है बहुत बड़ा है। लेकिन फिर बाद में हम जब पहाड़ से नीचे आए थे तो हम बैठे थे इमली के पेड़ के नीचे थोड़ा हवा लेने के लिए, फिर वहाँ पे हवा लेते लेते हमें दिख गए ये सब भेड़ बकरी जो चरा रहे थे लोग, उनको पार कर रहे थे, तो हम भी बैठ गए थे आराम से। तो फ्रेंड्स देखो मैंने लकड़ी ढोया है, अब जा रही घर, लकड़ी ने बांस लाने के लिए हम लोग गए थे, और इतना घना जंगल था ना क्या बताएं,
बहुत ज़्यादा थक गए हैं, पानी प्यास लगा था अभी लगा है। उधर बीच में वो मिला था जो पहाड़ में पानी नहीं गिरता है, वो पानी से हम लोगों ने वो करा है। अभी देखो घर जा रहे, पहुँच गए ऑलमोस्ट, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। आप सब वीडियो देख रहे हैं कैसा लग रहा है तो घना जंगल। फाइनली घर पहुंच गए, अभी हाथ पैर धो के थोड़ी देर आराम करने का, फिर आराम करने के बाद नहाने का, फिर खाना खाने का, नाश्ता करके गए थे। बहुत ज़्यादा थक गए हैं, इतने बड़े बड़े पैर हमने दो बोलते ना ऐसे दिखता है उससे, वो दो से भी ज़्यादा तीन पार तो कम से कम पार की रहेगी, इतना दूर कैसे बासी नहीं मिल रहा था इसके लिए। चलो अभी यहीं पे ब्लॉग को एंड करते, देखने के लिए थैंक यू सो मच से। और पानी आ रहा है, अभी नहाएंगे आराम से। चलो ख्याल रखो अपना, पता नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, बाय।